डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। डिसीजन ही विवादित है, उनमें वही कॉन्ट्राडिक्शन है। वो बोल रहे हैं कि अजीत पवार की और शरद पवार जी की जो मतभेद है 2019 से शुरू हो गए, क्या वो भूल गए कि अजीत पवार को माफ करके शरद पवार जी ने उप मुख्यमंत्री दिया था, जो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी गलती है। गद्दारों को माफ नहीं करना चाहिए और महाराष्ट्र वो ही करेगी गद्दारों को माफ। उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। शिवसेना का चला गया, एनसीपी का चला। देखिए, ये कोई न्याय की बात नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, ये भारतीय चुनाव आयोग अब भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी शाह चुनाव आयोग बन गया। हाँ, भारतीय निकाल दो, अभी हो भारत का नाम निकाल दीजिए। देऊन करण्याची विनंती गडचिरोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय संजय जी मीणा।